पिटान की सुहागन भले ही तू, पर सुहागरात तो हम ही मनाएंगे। वेदांत और ध्वनि को अलग करने के लिए यहाँ पर रुद्र चलता है भाई बड़ी चाल। यहाँ पर उसको पता तो लग ही गया है कि किस तरीके से जो ध्वनि है वो वेदांत पर डोरे डाल रही है, और वेदांत भी उसको चाहता है क्योंकि पहले शादी से पहले उसने बता दिया था ना कि भाई मैं किसी और लड़की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग पे नजर डालने की? प्यार करता हूं, और रुद्र के सामने ये तो आ गया कि ये लड़की वो ध्वनि है, और यहाँ पर ध्वनि जो है ना इसी वजह से रुकी कि वेदांत के संग सारा टाइम स्पेंड कर पाए। लेकिन यहाँ पर रुद्र भाई ये नहीं होने देता, और रुद्र कहता है एक काम करो तुम ध्वनि। हाँ हाँ भाई साहब, हमें लगता है कि ध्वनि को ही बुला लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, हमें अपनी बहू की भाषा समझने के लिए किसी भी अनुवादक की जरूरत नहीं है। अपना सामान वगैरह पैक करो और मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। और यहाँ ध्वनि बोलती भी है कि भाई मेरे को अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो स्वरा का कौन साथ देगा, यहाँ पर स्वरा की तुम्हें भाषा होना। इस दुनिया में जब भाषा नहीं थी तब भी लोग एक दूसरे की बात को समझते थे और समझाते थे ना, हम भी अपनी बहू की बात को समझ लेंगे। सदा सुहागन रहो बहू, खुश रहो। मतलब मैं उसकी आवाज हूँ और स्वरा जो बोल नहीं पाती है वो उसके एक्सप्रेशंस जो है मैं ही तो समझा पाती हूँ सब लोगों को। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो बोल नहीं पाते तो एक उनकी एक साइन लैंग्वेज होती है, तो इसी साइन लैंग्वेज का ना एक ट्रेनर बुला लेते हैं, और उनको लगता है कि भाई ये सब लोगों को ट्रेनिंग देगा तो उनकी भाषा समझ में आ जाएगी स्वरा को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ट्रेनर को भी यहाँ जो कोयल है ना वो फंसा लेती है, पैसों को लालच वगैरह दे देती है, और वो मना कर देता है कि भाई मैं नहीं सिखा पाऊंगा। अब यहाँ पर रुद्र को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, और रुद्र फिर क्या करता है, यहाँ पर चला जाता है स्वरा के नाना के पास और उनको बोलता है कि भाई आप एक काम करो, किसी तरीके से ना आपके घर में जो नौकरानी है ना वो और उसकी जो बेटी है ध्वनि को भर यहाँ से दूर भेज दो आप। अब पहले तो नाना पूछते हैं कि भाई क्या है, लेकिन उसके बाद वो रुद्र है ना वो बता देते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात को समझो, आप समझदार हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी बहुत अच्छी तरह रहे तो भाई एक काम करो, उनको कहीं दूर यहाँ से अपनी जगह से कहीं दूर भेज दो, जितना पैसा खर्च हो रहा हो। तो नाना भी यही करते हैं, यहाँ पर उसकी माँ को बुला के ध्वनि की भाई इसको पैसा वैसा देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी, कहीं और अपना काम देख लो किसी और शहर में। अब ध्वनि को जैसे ये सारी चीजें पता लगती है ना तो उसका दिमाग चलने लगता है कि अब अगर मैं यहाँ से चलेगी तो बहुत नाटक हो जाएगा, और वो करती है वेदांत को फोन और वेदांत को बोलती कि भाई मेरे को नौकरी से निकाल दिया है और ये सारी चीजें हुई और जान पूछ के निकाला है क्योंकि मेरी जरूरत तो है ही नहीं इन लोगों को। और वेदांत उसकी बातों में आ जाता है और हम देखते हैं कि किस तरीके से वेदांत और जो स्वरा है ना वो रेस्टोरेंट में मुलाकात कर रहे हैं।